ठीक है तो चलो आगे बढ़ते हैं अभी हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन तो काफ़ी हमने डिटेल में देखा था ना बराबर क्या इकोनॉमिक्स है क्या नहीं क्या है क्या चीज़ें हैं क्या सेंस में हमें इस चैप्टर को हमें पढ़ना है मतलब पूरे इकोनॉमिक्स को हमें कैसे लेना है तो चलो देखते हैं इंट्रोडक्शन में क्या दिया हुआ है हमें यहाँ पे टूडेज वर्ल्ड इज मार्क्ड बाई साइंटिफिक इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज दिस रिमार्केबल साइंटिफिक प्रोग्रेस इनेबल्स टू प्रोव इंटू द क्वेश्चन वॉट इज साइंस ठीक है आज हम हर चीज को क्या करते हैं क्वेश्चन करते हैं हमें जो बताया जाता है हम उसे मानते हैं क्या डायरेक्टली नहीं हम हमेशा क्वेश्चन करते हैं ऐसा क्यू वैसा क्यों ठीक है ना तो ये क्वेश्चन करना क्या है बहुत जरूरी है ठीक है अब साइंस इज द सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज साइंस इज द सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज अब जैसे मैंने आपको इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन बोला क्या बोला था एज पर एंड रॉबिन इकोनॉमिक्स इज अ साइंस तो वापस आप बोलोगे साइंस मतलब कि हम कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं क्या साइंस मतलब क्या होगा एक्सपेरिमेंट्स बात किसकी करते हैं हम फैक्ट्स की बात करते हैं तो क्या इकोनॉमिक्स में वैसा कुछ होता है क्या अरे यस yes, डेफिनेटली पर वो लैब वाले एक्सपेरिमेंट्स नहीं होते समझ में आ रहा है आपको कि ऐसे ऐसे एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं प्रैक्टिकली कि भाई जैसे एक एक्सपेरिमेंट किया गया था जिसे नोबल प्राइज भी कहा गया था याद है किसी को मैं बताता हूँ नाम था सत्यजीत रेश अभिजीत बैनर्जी इंडियन अमेरिकन अभिजीत बैनर्जी अलॉन्ग एस्टर क्या किया था एक्सपेरिमेंट्स किए थे बहुत सारे किए थे ऐसे तो ठीक है अब अगर मिल जाए इनका काम एक्चुअली इन्होंने क्या किया जैसे कि सपोज एक एग्जांपल लिया इन्होंने अभी है यहाँ पे आर्टिकल में कवर हुआ है तो देखते हैं Economics Nobel for their work on finding new ways to tackle poverty. Uh, Duflo, French American, and a Banerjee has been married for four years. They teach in Mascaritas Institutes of Technology. They are the first couple to win the Economics Nobel. And the sixth winning Nobel. The Nobel citation said that work of the three economists has improved effort to find fight global poverty by breaking down a complex problem into smaller. मोर मैनेजेबल क्वेश्चन कांग्रेचुलेटरी ट्वीट्स यार ये सब नहीं पढ़ना हमें क्या इन्होंने किया था बैनर्जी एंड स्पोकन ऑन सम इंडियन करंट पब्लिक पॉलिसी डिबेट स्पीकिंग टू सी एनबीसी आफ्टर द अनाउंसमेंट ऑफ नोबल प्राइज बैनर्जी सैट इंडियन इकोनॉमी इज ऑन अ शेकी ग्राउंड

Okay, अब ये आर्टिकल जरा मिला है फ्री नहीं है कहां गया है। चलो

Simple problems beget simple solutions. To progress, we have abandoned the habit of reducing the poor to carton characteristics, sorry characters, and take them take the time to really understand their lives in all the complexity and richness. Most of his works is premised on the idea that policy reforms aimed to improve the life of poor people have traditionally been implemented based on misguided perception and vast generation. अब देखो यहाँ पे आर्टिकल हमें क्या बता रहा है कि जब पॉलिसी हम बनाते हैं ठीक है थीके? जब गवर्नमेंट कुछ पॉलिसी बनाती तो बहुत रिसर्च लगता है ऐसे ही नहीं अब इन्होंने यही बताया कि जो परसेप्शन है लाइफ का कि इंडिया कैसे एक कार्टून कैरेक्टर की तरह एक मतलब वैसा इन्होंने डिस्क्राइब किया कि भाई वो चीज़ अलग हो गई लोग मतलब ध्यान ही नहीं दे रहे हैं और पॉलिसीज़ बना रहे बराबर उन्हें एक्चुअल प्रॉब्लम्स क्या है उसको आइडेंटिफिकेशन ही नहीं किया है तो कैसे आप उसका सोल्यूशन ढूंढोगे कैसे आप पॉलिसी बनाओगे इट्स वन ऑफ द रीजन वाई ही हैज़ बीन अ स्टॉट प्रोमेंट ऑफ यूजिंग रेंडमनाइज कंट्रोल ट्रायल्स ये समझ रहे क्या बोला रेंडमनाइज कंट्रोल्ड ट्रायल्स टू बेटर डिवाइस पॉलिसी परसेप्शन मतलब कि रेंडमली अलग अलग एरिया में जाके खुद से ट्रायल्स किए गए कि भाई जब हम कोई इंप्लीमेंटेशन करें क्या करें हम कोई इंप्लीमेंटेशन करें उसका पहले क्या होना चाहिए टेस्ट होना चाहिए कि या सच में ये चीज़ें अप्लाई होगी क्या सच में इसके रिजल्ट्स क्या आएंगे तो वो सब देखना बहुत जरूरी है यर हाउ इट टेक अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल एंड डिवाइड टू सेट्स बराबर एक ग्रुप ऑफ पीपल लिया उनको दो अलग अलग सेट्स में डिवाइड कर दिया

The idea is that to nuisance appro approach in a much better alternative to simply shooting in the dark, and if I am being honest with you, it kind of makes sense. Let me illustrate this with an example from Abhijit book. When he and his fellow researchers started looking at farmers in western Kenya, they realized that most of them still weren't using fertilizers. The first perception is the most obvious one, maybe it's because they don't know how to use them.

तो उनको 80 परसेंट ज़्यादा प्रॉफिट आ रहा है क्या था एट्टी सेवेंटी परसेंट ज़्यादा वो क्या कर रहे हैं आउटपुट दे पा रहे हैं समझ मा रहे हैं तो लोगों को पता ही नहीं है ग्राउंड लेवल पे अवेयरनेस ही नहीं है तो वो ऐसे क्या करते थे पता है रैंडम ट्रायल्स करते थे कुछ भी जो उनको लगता है कि जैसे अभी सपोज मुझे क्या करना है यहाँ पे आ, एक क्या करना है कि हेल्थ चेकअप करवाना है क्या करवाना है हेल्थ चेकअप करवाना है अब मैं डिसाइड करता हूँ कि पॉलिसी बनाना पहले मैं एक्सपेरिमेंट करता हूँ क्या करता हूँ ग्रुप में डिवाइड कर दिया लोगों को कुछ लोग आ रहे हैं उन्हें मैं क्या दे रहा हूँ जैसे ही वो कुछ जो भी हेल्थ चेकअप करवाते हैं मैं उन्हें क्या देता हूँ एक किलो फ्रूट्स देता हूँ समझ में आ रहा है तो ज्यादा लोग आते हैं और कुछ दिए नहीं हाँ क्या है हेल्थ का है ना क्या करेंगे जाके कुछ है तो नहीं कुछ भी नहीं हुआ है मेरे को क्यों जाना है चेक करने समझ में आ रहा है आपको अरे चलो क्या है जाके आते हैं ना कुछ नहीं एक किलो कुछ तो फ्रूट्स मिलेंगे एप्पल मिलेंगे चलो जाके तो आते हैं समझ में आ रहा आपको तो ये ऐसे ऐसे एक्सपेरिमेंट्स करते थे छोटे छोटे पोवर्टी को ब्रेक करने के लिए मतलब समझने के लिए वहाँ पे लोग क्या है क्या नहीं है वेल इट टर्न्स आउट द मोस्ट फार्म सिंपली डिड नॉट सेव इनफ टू बाय

कोई बीमार हो गया ठीक है आ, किसी को कपड़े चाहिए कोई गेस्ट आया है उसको खाना खिलाना है एंड इट्स हार्ड टू से नो हाउ एवर देर आर वेरी फ्यू स्मार्ट फार्मर्स हु हैज इम्पोज सर्टेन अमाउंट ऑफ सेल्फ कंट्रोल बाय बाइंग फर्टिलाइजर राइट एट द एंड ऑफ द हार्वेस्ट सीजन दे एलिमिनेट द नीड टू सेव ऑल टुगेदर सो दे सो हाउ सो नाउ दे डू तो नाउ डू दे गेट बायटिल प्लांटिंग सीजन इफ दे एवर नीड मनी मतलब समझ मार कैसे ये चीजें छोटी छोटी चेंजेस है कि आप पहले खरीद के ले लो तो ये इतना एक्सपेरिमेंट्स करते तो मेरे को ही आपको क्या बताना था यहाँ पे आर्टिकल तो आप आराम से पढ़ना बाद में यहाँ पे कि वॉट इज साइंस यहाँ पे हम जो बात करें साइंस और एक्सपेरिमेंट हम कहते हैं भाई यहाँ पे भी एक्सपेरिमेंट करने पड़ते हैं देखो नोबल प्राइज मेरा इस काम के लिए समझ मारे ऐसे बहुत सारे लगातार काम किए एक काम नहीं लगातार इनके चलते रहते हैं तो साइंस इज अ अस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज चलो तो देर आर टू मेन टाइप्स ऑफ साइंस एक है नेचुरल साइंस और दूसरा क्या है सोशल साइंस ठीक है नेचुरल साइंस इज द वन हुज लॉज आर यूनिवर्सली एक्सेप्टेड एंड देयर वैलिडिटी कैन बी टेस्टेड इन अ लैब लेबोरेटरी अंडर कंट्रोल्ड एनवायरमेंट मतलब क्या बोला गया यहां पे टेस्ट आप कर सकते हो उसे आप नेचुरल साइंस कहोगे सोशल साइंस मतलब क्या जहां पे इंसान आ जाते हैं उनके बिहेवियर्स आ जाते हैं समझ में आया तो वहां पे आपने देखा कोई फर्टिलाइजर फर्टिलाइजर बचा पा रहा है कोई फर्टिलाइजर नहीं बचा पा रहा है तो ये पर्सनल प्रेफरेंसेस के हिसाब से ना खुद के चेंजेस के हिसाब से एग्जाम्पल मैथामेटिक्स फिजिक्स केमिस्ट्री तो ये कौन से साइंस हो गए तुम्हारे नेचुरल यहां पे कोई चेंजेस नहीं जो बोला है वो हो गया अनलेस इन एंडल उस प्रिंसिपल को कोई रॉन्ग प्रूफ करे विद एक्सपेरिमेंट समझ में आ रहा है आपको तब तक तो वो चीजें वैलिड है सोशल साइंस इज कॉल्ड एज एजस्ट्रैक्ट और बिहेवियरल साइंस बिकॉज इट इज रिलेटेड टू स्टडी ऑफ सम और द अदर एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर क्योंकि ये तो किसके ऊपर डिपेंड है पूरा का पूरा ह्यूमन बिहेवियर पे है एग्जाम्पल साइकोलॉजी इज रिलेटेड टू मेंटल एक्सपेक्ट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर अरे हाँ कि ना सोशियोलॉजी इज रिलेटेड टू स्टडी ऑफ सोशल एक्सपेक्ट ऑफ मैन एज द मेंबर ऑफ सोसाइटी ह्यूमन बिहेवियर कैन ना इधर बी इंपेरिकली टेस्टेड नॉर कैन बी स्टडीड इन लैब अभी कोई इंसान का बिहेवियर देखना है कि उसको लैब में बैठा दो बराबर है कि स्टडी कर लो नहीं हम कर सकते क्या इंसान कैसे रिएक्ट करेगा कौन से सिचुएशन में हमें पता है क्या हमें पता नहीं है लॉ सोशल साइंस आर नॉट यूनिवर्सल बट दे आर ओनली स्टेटमेंट ऑफ जनरल ह्यूमन टेंडेंसी तो यह क्या है जो हम लोग बात करें ना यहाँ पे सोशल साइंस जनरल ह्यूमन टेंडेंसीज है उसके बारे में हम क्या कर रहे हैं यहां पर डिस्कस कर रहे है. तो मैंने आपको डेफिनेशन भीज ह्यूमन बिहेवियर तो यार ये ह्यूमन बिहेवियर की पढ़ाई के बारे में हम कर रहे हैं लेकिन कैसे रिएक्ट करता है विथ रिस्पेक्ट टू डिमांड एंड सप्लाई विथ रिलेटेड टू डिमांड एंड सप्लाई या और भी बहुत फैक्टर्स हो सकते हो तो धीरे धीरे आप इकोनॉमिक्स तो जस्ट अभी स्टार्ट हुआ है आपको पता चलेगा अब देखते हैं मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स इज ए सोशल साइंसिजिन इकनोमिक्स लाइज इन द ग्रीक वर्ड ओकोनोमियानोम साइंस ये तो समझा हमें और ये वर्ड कौन सा है ओकिनोमिया विच मीन्स मैनेजमेंट ऑफ द हाउस होल्ड विच मींस मैनेजमेंट ऑफ द हाउस होल्ड हाउस होल्ड बोलेंगे तो क्या घर ठीक है अभी हमारा भी घर चलता है अपने आप में समझ लो क्या कंपनी है? है बराबर है

सप्लाई कि कैसे इंसान रिएक्ट करता है इन सब चीजों में इट डील्स विद हाउ ह्यूमन बींग सेटिस्फाई अनलिमिटेड वांट्स विथ लिमिटेड मीन्स ये समझ में आ रहा है मैं आपसे कुछ डेफिनेशन डिस्कस करता है। याद आया आपको ये देखो इंसान का बिहेवियर यही है कि वो अनलिमिटेड वांट्स है उसके पर वो कैसे पूरे करता है विथ लिमिटेड रिसोर्सेज या मीन्स बोलेंगे तो रिसोर्सेज बीस हजार कमाने वाला इंसान भी खुश है लाख कमाने वाला इंसान खुश नहीं है इसका मतलब ये नहीं एक स्टेटमेंट बना बीस कमाओ खुश रहो ऐसा नहीं बोल रहा हूं मैं और डिपेंड करता है क्या करता है वो डिपेंड करता है समझ में आ रहा है हर इंसान पे कि वो कैसा सोचता है कैसा वो थिंकिंग रखता है क्या वो प्रिंसिपल्स बनाता है अपने लिए उसके हिसाब से लेट लेटेस अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स विद रिस्पेक्ट टू सम पॉपुलर डेफिनेशन व्यूज ऑन इकोनॉमिक्स अर्थ मीन्स वेल्थ एंड शस्त्र मीन्स साइंस अर्थशास्त्र इंप्लाइज द साइंस ऑफ एक्वायरिंग एंड मैनेजिंग वेल्थ देखो एक चीज अलग है आपको कमाना आप कमाओगे आगे चल के बराबर है सही बात है कमाना टोटली डिफरेंट है और उसे संभाल के वेल्थ क्रिएट करना डिफरेंट है समझ में आ रहा है मैंने आपको क्या बताया कि आपकी जो भी सैलरी आएगी ठीक है जो भी आप कमाओगे उसे बचा के उससे अलग से आपको सेविंग्स करके एक अलग से एक वेल्थ का एक अलग ही एम्पायर खड़ा करना वो टोटली डिफरेंट है समझ में आ रहा है आपको आपको काफी मेहनत करनी पड़ेगी एक बार ध्यान रखना जो आपके पेरेंट्स ने की है वो तो की है अब आपको और ज्यादा करनी पड़ेगी क्यों ऐसा क्यों ऐसा बोल रहा हूँ बताओ सोचो यार पाँच साल बाद तुम भी आने वाले हो नए मार्केट फोर्स में क्यों ज्यादा मेहनत कुछ भी नहीं बताने का टेक्नोलॉजी ज्यादा होगी तो क्या हो गया अच्छी बात है ना टेक्नोलॉजी तो बड़ी है क्योंकि बताओ क्या हो सकता है रीजन सोचो यार थोड़ा तो थो। बहुत सारे लोग समझदार हो चुके हैं बराबर है सब लोग पढ़ाई कर रहे हैं कौन पढ़ाई नहीं कर रहा है मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन हो चुका है एकदम मिनिमम एक मिनिमम बोला बस इतना तो चाहिए ही चाहिए उसके अलावा लोग बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं प्लस कंप्यूटर्स में वो पहले से ही आगे हो जाते हैं वो उनमें विज्ञान पहले ही बहुत हो चुका है दुनिया का पहले क्या था हाँ ठीक है ये काम करना ठीक है कर लिया सीख लिया आगे बढ़ गया इस तरीके से चल गया अभी आप रेट्स देखो महंगाई देखो बराबर है आप सिर्फ पाँच सौ रुपये देखो कैसे कमा सकते हो क्या खुद खुदा सोचो जरा आज हमें पाँच सौ रुपये कमाना मैं चोरी करने नहीं बोल रहा हूँ मम्मी डैडी से मांगने नहीं बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है पाँच सौ रुपये कमाना है आपको कौन देगा मुझे बताओ क्या आप कौन सा काम ऐसा चूज कर सकते हो आपकी पढ़ाई के साथ क्या आप हज़ार रुपये कमा सकते हो सोचो तो आप जब भी काम करने जाओगे तो आपके पीछे और सौ लोग पड़े अरे इंडिया में अपने इधर रेलवे का फॉर्म निकला कितने लोगों ने दस लाख पंद्रह लाख जॉब्स थे कितने लोगों ने अप्लाई किया पूरे ऑस्ट्रेलिया ने ऑस्ट्रेलिया का पॉपुलेशन कितना है नहीं मालूम है ना गूगल देवी देवता ये सब चीज है इसलिए बोलता हूँ न्यूज़पेपर पढ़ो

थर्सडे टू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन वन ऑफ द असिस्टेंट लोको पायलट एंड द टेक्नीशियंस ऑन द अदर लेवल वन ये सब जाने दो अब यहाँ पे लिखा है क्या लिटरली पोस्ट ये सब अलग अलग दिए गए हैं जूनियर इंजीनियर के लिए मतलब ढाई करोड़ तो ये ऑलमोस्ट ऑस्ट्रेलिया का पॉपुलेशन है ये समझ में आया आप आपको जॉब्स कितनी हैं बराबर आप फर्स्ट रैंक हो आ जाओ कितने फर्स्ट पढ़े देख लो वहां पे कितने सेकंड रैंक थर्ड रैंकर पढ़े तो आपको बहुत सारी चीजें डेवलप करनी पड़ेगी अपनी पढ़ाई के साथ साथ ठीक है तो यहां पे ये वही चीज है पॉलिटिकल कि हम जो देख रहे हैं मैनेजिंग वेल्थ तो ये आप जब सीख रहे हो इतने तो चीजें अभी से ही अप्लाई करना शुरू कर दो अर्थ अर्थशास्त्र इज अ अति ऑन पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स इन द ब्रॉडेस्ट सेंस तो आपको अपना दिमाग क्या करना है ओपन करना है ट्रिटाइज की पॉइंट्स बेस्ड ऑन व्यू ठीक है क्रूशियल रोल ऑफ द स्टेट और गवर्नमेंट फोकस ऑन क्रिएशन ऑफ वेल्थ एज द मीन टू एंश्योर वेलफेयर ऑफ द स्टेट ये किसके रूप में बात कर रहे हैं गवर्नमेंट के इसमें ना गवर्नमेंट को पैसे चाहिए किसके लिए वेलफेयर लोगों के लिए फिर क्या बोला गया नीड फॉर एफिशियंट एडमिनिस्ट्रेशन मशीनरी फॉर गुड गवर्नेंस गुड गवर्नेंस समझता है मैनेज करना एडमिनिस्ट्रेशन करना लोग आए तो उन्हें बराबर क्या मिले सब कुछ रिजल्ट्स मिले वो चाहते हैं तो सब कुछ चीजें लॉ एंड ऑर्डर सब कुछ बराबर रहे कंपाइलेशन ऑफ पॉलिटिकल आइडियाज इनटू अर्थशास्त्र तो सब कुछ क्या है इकोनॉमिक से जुड़ा हुआ है अब देखते हैं डू यू नो कौतलियस वॉज अ ग्रेट स्टेटमेंट फिलोसॉफर इकोनॉमिस्ट एंड रॉयल एडवाइजर ड्यूरिंग द मोरिया पीरियड ही इज ऑल्सो नोन बाय द नेम चाणक्य सुना है आपने कभी विष्णुगुप्ता कौतलियस ऑथर द एंशियंट इंडियन पॉलिटिकल टिटाइज दैट इज अर्थशास्त्र कभी पढ़ना हो मौका मिले तो प्लीज पढ़ना जाओगे ना कॉलेज में लाइब्रेरी नाम की चीज होती है बराबर है वहां पे कभी देखना पुस्तकालय ठीक है तो वहाँ पर कभी ऐसा मौका मिले ये सब चीज़ें आपको वहाँ पे मिलेगी इकोनॉमिक्स की जो बुक्स होगी ये सब उस टाइम पे लिखी गई है ऐसा नहीं कि ये धीरे फिर डेवलप होती रहती है ऐसी बात नहीं है तो उस टाइम के उनके पूरे के पूरे व्यूज़ वगैरह सब कुछ लिखे गए तो सोचो आपको कितना कुछ करना है इस जीवन में कितना कुछ करना है नेक्स्ट देखते हैं डेफिनेशन एडम स्मिथ ने दिया, क्या दिया? है क्या डेफिनेशन दिया है मॉडर्न डेफिनेशन जरा देखते हैं धीरे धीरे कुछ चीज़ें आई हैं यहाँ पे सामने ठीक है क्या आया है ज़रा देखते हैं क्लासिकल इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ फादर ऑफ इकोनॉमिक्स प्लीज जरा ये, ध्यान ये में इकोनॉमिक्स आउट ऑफ इकोनॉमिक्स तो इन्होंने जो डेफिनेशन दिया कैसा दिया वेल्थ ओरिएटेड वेल्थ बोले तो पैसा पैसे के रिलेटेड वेल्थ ओरिएटेड दिया तो so क्या इन्होंने कहा जरा देखते हैं और कहां पे इन्होंने ये चीजें कही इन द मोस्ट फेमस ऑफ ऑफिस बुक 1776 पीस ऑफ वर्क एंड क्या था ये बहुत अच्छा इन्होंने बुक लिखा 1776 कितने साल पुराने हो गए ये बातें ऑलमोस्ट ढाई सौ साल ढाई सौ में पहला थोड़ा कम क्लियर है एन इंक्वायरी इंटू द नेचर एंड कॉज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन एडेंट डिफाइंस इकोनॉमिक्स एज अ साइंस ऑफ वेल्थ इन्होंने क्या कह दिया कि ये साइंस ऑफ वेल्थ है पैसे का जानकार बनना है इकनॉमिक इकोनॉमिक्स

इतना किया ना हमारे पास जो पैसा है, इन्वेस्ट करने के लिए totally पैसा और एंटरप्रेन्योरशिप एंटरप्रेन्योरशिप मतलब क्या हो गया जैसे अभी समझो मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो बहुत सारी चीजों पे इन्वेस्टमेंट किया हुआ है बराबर है मतलब मैंने मेरी वेल्थ से कुछ पैसा निकाल के क्या किया इन्वेस्ट किया चीजों में उसके बाद जगह है इधर हम बैठे हैं बराबर है उसके बाद और क्या है लैंड हो गया कैपिटल समझ में आया पैसा वेल्थ से निकाल के कैपिटल जो पैसा हमने इन्वेस्ट कर दिया फिर और क्या हो गया लैंड लेबर लेबर काम कर रहे हैं करा घर पर तो बैठे नहीं है तो सब चीजें एक्यूमेट होके हम उस कैपिटल को लगा के और वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं समझ में आ रहा है आपको और वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं तो ये वही चीज कही है दैट इज कैपिटल एंड वेल्थ एक्मलेशन नेचर्स लॉ इन इकोनॉमिकल अफेयर्स, डिविजन ऑफ लेबर एज एन एक्सपेक्ट ऑफ ग्रोथ थियरी लेबर का डिविजन डिविजन मतलब क्या अलग अलग पे लोग काम करें ज्यादा से ज्यादा काम करें और आप उनको टाइमली क्या दो सैलरी दो पेमेंट दो तब जाके आपके लिए लोग रहेंगे ना नहीं तो कौन रहेगा कोई रहने वाला है नहीं तो देखते अभी क्या है डू यू नो फॉल रोमर एंड विलियम नोडोस हैज वॉन्ट नोबल मेमोरियल प्राइस इन इकोनॉमिक फॉर टू थाउजेंड एटीन फॉल रोमर ट्रेंड्स टू बी डिस्क्राइब इज अ ग्रोथ थियरिस्ट वेर मिस्टर नोडास है कंट्रीब्यूटेड टू द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स तो एनवायरमेंटल मतलब का जो हम देखते ना कैपिटल वेल्थ ये सब चीजें तो ये सब करते करते एनवायरमेंट भी तो है अर्थ ही नहीं रहेगा तो क्या होगा तो उसके रिलेटेड क्या इफेक्ट्स हो रहे हैं जो एक्टिविटीज़ चल रही है ना कमर्शियल एक्टिविटीज़ हम एक्सप्लॉड करते हैं रिसोर्सेज हमें चाहिए क्या चीज़ें नहीं चाहिए कौन से मिनरल्स चाहिए हमें हम खोदते रहते हैं अर्थ को ये निकालते रहते हैं वो बनाते रहते हैं बराबर है कि नहीं इंसान करते रहता फोन बनाने तो है मोबाइल फ़ोन बनाना है तो कितने उसके अंदर मटीरियल लगते हैं हमें खुद को पता नहीं हम तो हेलो हेलो इंस्टा फेसबुक पर ही है बराबर है अंदर क्या लगता है क्या नहीं लगता है हमें पता ही नहीं है तो हम जो बैटरी है बैटरी के अंदर कितने कंपोनेंट्स गए हैं उसके अंदर फिर जो चिप्स लगी है उसको बनाने में कितना कुछ चीज़ें लगी कितने मटेरियल्स लगे हैं हमको क्या हमको इंस्टाग्राम पे लाइक आया कि नहीं हमें वो ध्यान में रखना है है तो ये सब चीजों के क्या होते हैं एनवायरमेंटल इफेक्ट्स भी होते हैं फिर प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल वेल्थ ओरिएंटेड डेफिनेशन इन्होंने क्या किया इन्होंने देखो, क्या बोला? Well किसने? ने भी दिया था डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिस्ट अब देखते हैं यहां पे नेक्स्ट जो है मार्शल, इन्होंने क्या कहा नियो क्लासिकल इकोनॉमिक्स प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल द वेल्थ इन इन ऑफ इकोनॉमिक्स इन द बुक्स प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स स्टडी ऑफ मैनकाइंड मैनकाइंड समझते हो क्या है मैनकाइंड मतलब अरे इंसान जो प्रजाति है ना उनकी स्टडी यार इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ लोग कैसे जीते हैं बिजनेस के साथ कैसे काम करते हैं इट एग्जाम इन दैट पार्ट ऑफ इंडिविजुअल एंड सोशल एक्शन विच इज क्लोजली कनेक्टेड विद अटेनमेंट एंड यूज ऑफ मटेरियल लिक्विजिस ऑफ वेलविंग मतलब जो मैनकाइंड है क्या क्या चीजों का उपयोग करता है अपने जीवन में अपने वेलबींग के लिए अपनी खुशहाली के लिए समझ में आ रहा है मैनकाइंड जो चीजें बनाता है ना जिसे आप रोज जैसे ही सुबह उठते हो मैन मैंड चीजों से चलो ब्रश करना है समझ लो कैसे कैसे आप चीजों को अपनी लाइफ को ईजी बनाने के लिए वेलबींग के लिए अच्छे से रहने के लिए पहले मकान कैसे होते थे आज देख लो समझ लो ना क्या बोल रहा हूँ मैं अभी वो तुमको पूरा हिस्ट्री पर लेके नहीं जाना है कैसे रहते थे क्या करते थे क्या नहीं करते थे हम भी देखने को तो गए नहीं थे थे ही नहीं हम बराबर है पर उन्होंने जो सोचा उनके जो परिश्रम उन्होंने किए आज हम अच्छे हैं कि नहीं है कौन मैं 500 सौ छह सौ हजार दो हजार साल पहले की बात कर रहा हूं घर बनाना टेक्निक उन्होंने डेवलप की होगी धीरे तो धीरे उसी को मॉडर्नाइज किया गया है। घर बनाना किसी ने तो कुछ सोचा कि एक जगह रहे नहीं तो हम घूमते रहते बराबर बाकी जानवर घूमते वैसे कभी सोचते हो कि नहीं हम भी तो जानवर ही है नहीं? नहीं नहीं क्या सोशल एनिमल है ना अरे हाँ कि ना सोचो हम भी कीड़े मकौड़े घूमते रहते ऐसे फालतू में ये क्या हुआ है आज हम कितने कभी, कभी सोचते नहीं हो सोचो आज से ऐसे कोई दिख रहा है कोई ऐसा डॉग वॉग दिख रहा है हाँ हम अच्छे हैं ठीक है <laughs> <laughs> बराबर है खाना जाना है तो उधर उधर जा रहे हैं हम क्या है हाँ ठीक है खाना मम्मी खाना बराबर टेंशन ही नहीं है कुछ चीज़ पैसा गए पिक्चर देख लिया बेचारे वो कहा पिक्चर देखने जाएंगे कहाँ मोबाइल है कहाँ इंस्टाग्राम है कहाँ फेसबुक है उनके पास समझ में आ रहा है तुमको तो ये कहाँ एक दिन में डेवलप हुआ है क्या बोलो पचास साल पहले डॉर बीस पच्चीस साल है कहा बीस पच्चीस साल एक इन्वेंशन करते करते कितने जगह पे यूज हुआ जिसने बनाया था उसको भी नहीं पता समझ में आ रहा है तुमको तो ये बहुत सारे इंसान है तो हम कहते हैं ना उसी को कहते हैं इकोनॉमिक्स इज नॉट सिंपली अ स्टडी ऑफ वेल्थ इन्होंने क्या कह दिया सॉरी की पॉइंट्स ऑफ मार्शल डेफिनेशन क्या थे स्टडी ऑफ एन ऑर्डिनरी मैन भाई एक नॉर्मल इंसान को पढ़ लो जरा क्या है इकोनॉमिक्स इज अ बिहेवियरल साइंस ये समझ में आया बार बार मैं बात कर रहा था बिहेवियर वही है ना साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर तो ये बिहेवियरल साइंस है स्टडी ऑफ मटेरियल वेलबिंग हमारे पास हाँ भाई आईफोन है हाँ ठीक है आई वॉच है, हाँ है वो है तो मटेरियल कितना इंसान मटेरियलिस्टिक हो चुका है आजकल ठीक है ना आजकल का इंसान कैसा हो चुका है मटेरियलिस्टिक हो चुका है अच्छे कपड़े अच्छे जूते बराबर है कि नहीं है तो ये सब एक ऑर्डिनरी इंसान को कंपेयर कर लो और कभी दूसरा इंसान को कंपेयर कर लो वो मतलब अपने धोती पजामे में भी खुश है समझ में आ रहा है आपको क्या बता रहा हूं मैं आपको तो आप ये सब चीज से जज नहीं कर सकते हो बराबर है आपको पता नहीं कितने टेंशन है आईफोन पे पता नहीं पीछे उसे फोन करके मांग रहा है दस लाख बाकी देना है क्या समझ रहे हो तुम वही वहां पे दो कुर्ते पे में मस्त अपना ठंडी हवा में मस्त गांव में बैठा है तुम समझो तो आप डिफाइन नहीं कर सकते हो कि किसी को आप डिफाइन नहीं कर सकते हो किसी के पास मटेरियल चीजें हैं किसी के पास नहीं है ठीक है इंसान कैसे बिहेव करता है क्या चीजें करता है उसके लाइफ में क्या हो, वो सोचता क्या है ये टोटली डिफरेंट है आप उसको स्ट्रक्चर करके नहीं बता सकते पॉइंट वन पॉइंट टू पॉइंट थ्री आंसर याद कर लो इंसान दस तरीके से ही सोचता है है ऐसा कुछ नहीं ना तो ऐसा नहीं होता है तो इकोनॉमिक्स इज नॉट सिंपली अ स्टडी ऑफ वेल्थ पहले क्या कहा गया था अरे ये देखो ना एडम स्मिथ जी ने क्या क्या था इकोनॉमी फादर इकोनॉमी हैज गिवन द वेल्थ ओरिएंटेड डेफिनेशन इन्होंने ज्यादा किस पे ध्यान दिया वेल्थ पे ध्यान दिया अब यहाँ पे क्या है एल्फ्रेड मार्शल क्या बोलते इकोनॉमिक्स भाई ठीक है वेल्थ की पढ़ाई करनी है पर सिर्फ वही नहीं है तो ये सोचते सोचते कितना टाइम लग गया एटीन अरे जरा देखो यार एटीन और उसके पहले का साल कौन सा गया नाइनटीन सेवनटीन किधर गया सेवनटीन कितने साल ऑलमोस्ट सौ साल 110, 120 साल के आसपास तो समझ रहे सोचने में कितना परिवर्तन आता है मतलब एक जो हम मैनकाइंड लाइफ लाइफस्टाइल चेंज होने में समझने में सोच डेवलप होने में कितना समय लग जाता है ठीक तो है तो जरा देखिए फिर नेक्स्ट है हमारे लायनल रॉबिन्सन जी इनका ही डेफिनेशन मैं आपको बता रहा था दिस इज द मोस्ट पॉपुलर डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स रॉबिन्सन इन बुक एंड टाइटल

तो आप देखो यहाँ पे कैसे इन्होंने ये स्टडी करके बताया इकोनॉमिक जो हम ह्यूमन बिहेवियर के बारे में हर कोई बात कर रहा था ना ह्यूमन बिहेवियर के बारे में किसने मना किया था बिटवीन किसके बीच में इन्होंने थोड़ा सा एडिशन कर दिया एंड्स एंड स्कैर्स ऑल्टरनेटिव यूजेस तो आपको भी लाइफ में देखना है आप जो चाहोगे आपको मिलने वाला नहीं है मान के चल लो कैसे मैं चाहता हूं कि मुझे ये कुछ खरीदना है अरे भाई कोई दूसरा इंसान आके पहले खरीद चुका है तो क्या मेरे को मिल जाएगा एग्जाम्पल एक प्रॉपर्टी समझ लो यार मैं देख के चला गया मैं दो दिन बाद आया दूसरे में आके टोकन दे दिया तो अभी क्या करूंगा मैं तो एंड सेंस कैश में अब भाई ये तो नहीं मिले और दूसरा ऑप्शन देखो समझ में आ रहा है आपको इसका मतलब ये नहीं कि मेरे पास पैसे नहीं थे अरे समझ रहे हो क्या बस नहीं था आपका नहीं मिला आपको तो ये एंड सेंस कैश में से ऑल्टरनेटिव आपको हमेशा ऑल्टरनेटिव पे जाना पड़ेगा आप सोचोगे वो होने वाला है क्या नहीं लेकिन उसे आपको सोचा उसे बनाना है तो उसके लिए बहुत मेहनत कर लो अदरवाइज जो मिल रहा है वो लेके चुपचाप बैठे रहो ठीक है ना तो रो के कुछ फायदा नहीं है क्योंकि आपको आगे बढ़ना है आपको क्या करना है नई नई चीजों पर ध्यान रखना है की पॉइंट ऑफ रॉबिन्सन डेफिनेशन वॉन्ट्स एंड आर अनलिमिटेड बराबर है कि नहीं है दिवाली है मम्मी ने बोला चलो ठीक है कपड़े लेते हैं दिवाली ठीक है गए एक टॉप देखा मम्मी एक और अच्छा लगा बराबर है एक लेने गए थे ना बात तो एक ही हुई थी उसके बाद अगले महीने बर्थडे मम्मी बर्थडे एक और अब समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं मैं वॉन्ट कभी खत्म नहीं होने वाले फिर फ्रेंड का बर्थडे पता नहीं फिर भी कपड़े चाहिए बर्थडे फ्रेंड का जाना है ना बराबर है कि नहीं है तो ये इस हिसाब से तो चलते ही रहेगा कारवा कभी रुकने वाला नहीं है लिमिटेड समझते हैं। उसे पाने के लिए जो चीजें होती है वो क्या होती है लिमिटेड खर्चे करने के लिए तीस दिन है महीने में खर्चे करने के लिए तीस या थर्टी फर्स्ट जो भी है तीस दिन अवेलेबल है बस सैलरी एक महीने में एक ही बार आती है समझ में आ रहा है आपको रोज सैलरी आती नहीं है रोज आते तो टेंशन ही नहीं था ना बराबर है टेंशन ही नहीं था ना भाई ठीक है चलो यार रोज का पैसा आ रहा है टेंशन नहीं खाते पीते मजा करते बराबर है कि नहीं पैसे खर्चे करने के लिए तीस दिन आता एक दिन है क्लियर है कि नहीं है चलो ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स इन नाइनटीन क्या हुआ अच्छा की मैं दो रह गया वॉन्ट्स आर ग्रेडेबल ऑन द बेसिस ऑफ प्रायोरिटी वॉन्ट्स आर ग्रेडेबल ग्रेडेबेबल समझता है ग्रेड कर सकते ना हम ग्रेड 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 वन ग्रेड टू हमें पहले क्या चाहिए पहले हम कपड़े खरीदें कि अनाज घरे, घर घर पर राशन लाए बराबर है सब चाहिए गाड़ी चाहिए तो पहले क्या चाहिए राशन कपड़े फिर गाड़ी का नंबर समझ में आया तो यू कैन ग्रेड अब मैं क्या करता नहीं गाड़ी चाहिए पहले ठीक है गाड़ी ला रख दे खाना हम ऊपर बराबर है तो वैसा कर सकते हो क्या नहीं तीस दिन उपवास है अगले उन्हें सैलरी है तब देखें अब तो गाड़ी ले लिया मैंने समझ में आ रहा है तो ग्रेडेबल क्या है वो ग्रेडेबल तो आपको कौन सी चीजें चाहिए आपको क्या चाहिए उस हिसाब से आपको क्या करना है ग्रेड करना है मैं आपको बोल रहा हूँ आप कभी किसी से झगड़ा नहीं करोगे अगर आप समझ लोगे चीजों को कैसे सामने वाला इंसान बड़बड़ कर रहा करने दो हाँ ठीक है सिंपल ना तुम और बोलोगे वो और बोलेगा चार बातें और होगी फायदा कुछ उस अच्छा एक दिन रुक जाओ मम्मी गुस्से में ठीक है मम्मी कल बात कर दो तुम भी उधर से चालो इधर से चालो मजा फिर बराबर है कि नहीं है छोटा भाई बहने और मजे ले रहे फिर तो और हो गया बराबर है सही है फैक्ट है बराबर है तो इसके लिए मैं क्या बोल रहा हूँ तुमको तुम्हारा काम निकालना है तो तुमको पता होना चाहिए कौन से टाइम में कितना बोलना है और कितना नहीं बोलना है क्लियर है कि नहीं है तो ये कहाँ से सीखोगे बाय स्टडिंग ह्यूमन बिहेवियर पता है ना अभी जैसे मैं सिंपल एग्जाम्पल लेता हूँ जाना है कहाँ पे मूवी देखने बराबर है पैसे कितने दो सौ रुपए हम डिसाइड करते हैं चलो हम ही किधर जाएंगे मूवी देखने जाएंगे मैं बोलता हूँ दो सौ दो सौ रुपये लेके आ जाना अब सब हाँ हाँ बोल दिए मन में पीछे चल रहा से से लाए कहां से लाए ठीक है छोटा भाई बहन कभी पूछा नहीं रहेगा ढंग से क्या बात है क्या ठीक <laughs> है बड़ा रहेगा तो है क्या <laughs> चलो उस टाइम अभी तुम्हारा कैसा है क्या उस हिसाब से कुछ रहेगा मैं नहीं बोलूंगी मम्मी को ये नहीं वो नहीं करके बीस पच्चीस ले लिया अब मम्मी ने से लेकिन लास्ट टाइम पंद्रह दस दिन पहले कुछ चीज़ के लिए पैसा लिया तो मम्मी कैंसिल नहीं मिलने वाला है बराबर है पप्पा पप्पा ये वो थोड़ा जहां पे जो सॉफ्ट है थोड़ा वहां से कर लिया अभी क्या अभी भी थोड़ा कम पो रहा दादा दादी बराबर है तो कैसे तुम एक रिसोर्सेज को जमा कर रहे हो अपनी बॉन्ड्स फुलफिल करने को समझ में आ रहा है आपको तो आपने कौन सी बुक पढ़ी अब कैसे भी करना आपने एक बार काम कर दिया लेकिन जिस दिन चारों मेंबर एक साथ बैठे बराबर है जिस दिन चारों मेंबर एक साथ बैठे तुम वहां से कल्टी पहले ही यहाँ पे टॉपिक निकले उससे पहले ही भाई मेरा बीस रुपया लिया था अभी तक दिया नहीं बस वहां से एक पोल खुलनी चाहिए तो मेरे से भी लिया था अरे मेरे से भी लिया था और आप भी छाने हो सबको एक साथ बात नहीं करोगे कौन अकेला दिखता है हाँ ठीक है बराबर सर धीरे बात कर हाँ ठीक है समझ में आ रहा है तो ये ह्यूमन बिहेवियर है ठीक है यही चीजें तो है तो मीन्स हैव हैल्टरनेटिव यूजेस तो आपको देखना है वो दो सौ रुपये में आपको क्या खरीदना है मूवी देख के एक बार खत्म करना है केस तरीके से दो जमा करके आपके पास रखना है समझ तो में आ रहा है आपको तो ये आपको सोचना है आप किस में खुश हो आपको देखना है फ्रांचिस ऑफ इकोनॉमिक्स इन गया क्या हो कुछ रगनारूटा और अच्छा सॉरी सॉरी कहा गया श्री सर चलता है वो अरे बुक किधर गया

आज कोरोना वायरस है टेंशन एकदम माइक्रो इकोनॉमिक्स डील विद द बिहेवियर ऑफ द इंडिविजुअल वेरिएबल सच एस हाउस होल्ड घर का जो भी हिसाब किताब है वर्कर फॉर्म इंडस्ट्री एक्सेट्रा ये सबका डिफरेंस आपको पता है फॉर्म छोटा सा एक बिजनेस बहुत सारे फर्म मिला के क्या बनाते हैं इंडस्ट्री फिल्म इंडस्ट्री हम कहते हैं मतलब उसके अंदर बहुत सारे लोग हैं ना अलग अलग लोग पिक्चर बनाते हैं तो कलेक्टिवली इंडस्ट्री कहते हैं अब देखो माइक्रो इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन दिखते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स इज स्टडी ऑफ पर्टिक्यूलर फर्म पर्टिक्यूलर हाउस होल्ड इंडिविजुअल प्राइस वेजेस इनकम इंडिविजुअल इंडस्ट्री एंड पर्टिक्युलर कमोडिटी क्लियर अब जरा ध्यान से आप तो लग रहा है क्या चल रहा है तो एक बार जरा ध्यान से लिपस्टिंग पकड़ना ये आपको पूरा का पूरा अभी याद हो जाएगा ठीक है ठीक है चलो डेफिनेशन करते हैं एक साथ वन टू थ्री को माइक्रो इज स्टडी ऑफ पर्टिक्यूल फॉर्म इंडस्ट्री एंड पर्टिक्यूलर कमोडिटी वन मोर टाइम माइक्रो इज स्टडी ऑफ पर्टिक्यूलर फॉर्म पार्टिकल हाउस होल्ड इंडिविजुअल प्राइस वेजेस इनकम इंडिविजुअल इंडस्ट्रीज पर्टिकुलर कमोडिटी हो गया अब आपको आंसर पहला मिल गया कभी भी माइक्रो माइक्रो तो है है कि नहीं अब इसे समझते हैं इकोनॉमिक्स ऑफ़ पर्टिकुलर फर्म जैसे एक बिजनेस है उसके बारे में हम पढ़ाई कर रहे उसके बारे में हम देख रहे हैं कर रहे हैं पर्टिकुलर हाउस होल्ड कोई घर को हम कंपेयर कर रहे हैं जाके स्टडी कर रहे हैं कभी आपने देखा होगा आज तक देखा है आज तक न्यूज चैनल हाँ। देखा है कभी ये चीज न्यूज देखी है जैसे पेट्रोल की प्राइस बढ़ गया कभी से महंगाई वाला डिस्कशन करके घर पे पहुंच जाते हैं आप अपना घर कैसे चला रहे हो सब्जी के दाम बढ़ चुके हैं बराबर है हाँ। <laughs> देखा है कि नहीं देखा आपने ऐसा हाँ पहले हमें हफ्ते में पाँच की सब्जी लाते थे वो सात पड़ता है बराबर है देखा है कि नहीं देखा आपने हाँ। तो ये हाउस होल्ड की स्टडी करने पहुंच गया ठीक है उससे ज्यादा क्या एग्जाम्पल मैं आपको इंडिविजुअल इंडस्ट्री समझ में आ रहा है फिल्म इंडस्ट्री हो गई क्लियर है कि नहीं तो वहाँ के उनके बारे में पढ़ लो पूरा का पूरा फिर पर्टिकुलर कमोडिटी जैसे ऑनियन के प्राइसेस बढ़ गए या जो भी है उसके बारे में हमको डिस्कस कर रहे हैं पढ़ाई कर रहे हैं माइक्रो मीनस वॉट स्मॉल सिंगल एलिमेंट के बारे में आप पढ़ रहे हो पूरा जंगल है फॉरेस्ट है उसमें से आप पूरे फॉरेस्ट की चिंता नहीं है आपको एक पर्टिकुलर किस्म के पेड़ की चिंता है समझे क्या बोल रहा हूं मैं हम पूरे फॉरेस्ट का जब स्टडी करेंगे तो उसे क्या कहोगे मैक्रो क्या कहोगे मैक्रो जब पर्टिकुलर कोई चीज का करेंगे उसे क्या कहोगे माइक्रो क्लियर विदाउट पक्का चलो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स इट इज डिफिकल्ट टू डिफाइंड वॉन्ट इन फ्यू वर्ड्स इन कॉमन लैंग्वेज वॉन्ट कैन बी रिफाइड टू एज अड वैन बी डिफाइंड सॉरी रिफाइंड टू एज इन इकोनॉमिक्स वॉन्ट डिनोट अ फीलिंग ऑफ लैक ऑफ सेटिसफैक्शन क्या है लैक ऑफ सेटिस्फैक्शन हम सेटिस्फाइड नहीं होते क्या होते इंसान सेटिसफाई होता नहीं है बराबर है घर पे दो बच्चे हैं अगर कोई गलती से एक बच्चा बाहर है मतलब किधर गया हुआ है और पेरेंट्स एक आइसक्रीम लेके आ जाए बराबर है या उस बच्चे ने मांगा होगा तो पेरेंट्स तो क्या हाँ ठीक है बच्चे मांगा है लेके आ गए गलती से दूसरा छोटा भाई उस टाइम पे कदम रख ले ऐसा भाई तेरे को कैसा? क्या है बराबर है तो ये अब इसका मतलब ये नहीं है मतलब भाई वो बाहर भाई खुद बड़ा पा पहले खा के आ गया रहेगा समझ रहे हो पर वो उसे नहीं वो भाई मेरा भाई बहन कैसे वो आइसक्रीम खा रहा है अरे समझ में आ रहा है कैसे उसे मिल गया है क्या हो गया ये फिर चलो भाई और मम्मी बोली कि भाई जाओ लेके आओ तुम ही ले आओ ऐसा नहीं हम जाके खुद लेके आएंगे नहीं हमको हमारा पैसा दे दो उसको दिया ना हमको पैसा तो हम हमारा बाद में देखेंगे क्या करना है पैसा हमको पहले रखो बराबर है तो ये वही इंसान कभी भी सेटिस्फाई नहीं है ठीक है तो इंडिविजुअल टू सेटिस्फाई ठीक है तो ह्यूमन वांट्स हैव इन द नंबर ऑफ टू बेसिक रीजंस देखो दो चीजों की वजह से ये जो है ना फीलिंग ऐसे जागरूक होती है एक होती है देखते हैं डिजायर फॉर बेटर लिविंग ड्यू टू इन्वेंशंस एंड इनोवेशंस आज हम जैसे ही घर के बाहर निकलते हैं बराबर है कि नहीं है ऐसी ऐसी ऐड देखने मिलती है जैसे अगर वो चीज़ हमारे पास नहीं है तो हमारा जीवन व्यर्थ है बराबर है हमारा जिंदगी तो हम जी नहीं रहे बराबर है ऐसे कोई वो कौन सा देखा होगा आपने कौन सा ऐड देखा होगा स्लाइस का ऐड देखा होगा कटरीना कैफ देखा है बराबर कठिना कैफ जी ऐसे पोस्टर बड़ा है वो आम रस ऐसे पी रहे थे हमने कभी आम खाया ही नहीं वैसे ऐसे बराबर वो स्लाइस पिया नहीं तो हमने तो बोलते हैं ना प्यास भूझ नहीं हमारी जिंदगी का अरे ऐड पीना पड़ेगा गर्मी लगी वही ऐड देखा हाँ भाई स्लाइस दो भाई समझ में आ रहा है आपको तो ये ऐसे ऐसे, ऐसे मतलब चीज़ें हैं मतलब ऐसे एडवर्टीजमेंट ऐसे बताया जा रहा है वो ऐसे अभी जैसे मैगनी में कोई खा रहा है बच्चा ऐसा दिखा फोटो बड़ा पोस्टर हम खा रहे अरे हम कहा अरे रोड पे बड़ा पा अरे भाई नहीं उधर ही जाना पड़ेगा जिंदगी उधर ही है भाई लाइफ मैगडी में चालू हो रही है समझ में आ रहा है आपको मैं क्या बोल रहा हूँ तो ये इस वजह से एडवर्टीजमेंट फिर क्या है आपका इनोवेशन इस सब इन्वेंशन नई नई चीजें लाइफ ईजी हो चुकी है आज हम जैसे चीजें देखते हैं बराबर है कि नहीं है अरे आप अभी भी ये यूज़ करते हो अरे ये लेटेस्टली आ गया है समझ लो अरे हाँ ये हम काम तो अरे यही नहीं रहते बराबर है वो लगना पड़ेगा मशीन उसके लेना काम ही नहीं चल रहा है समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ अरे आपके घर पर ए नहीं है हाँ ठीक है अगली बार आप लगा देंगे हाँ भाई ए सी अब जहाँ हम बराबर जिंदगी के मजे इसी में लिए जा रहे ठीक है तो इसी एक रीजन है दूसरा क्या है राइज इन पॉपुलेशन क्या है राइज इन पॉपुलेशन जैसे पॉपुलेशन बढ़ रहा है हर एक जन चल चलती रहा है तो क्या करेंगे Resources इतने बढ़ते जा रहे हैं तो चीजें चलती रहेगी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बॉन्ड्स क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है Wands के जरा देखते हैं बॉन्ड्स आर अनलिमिटेड बॉन्ड्स नॉट ओनली अराइज अगेन एंड अगेन बट दे आर ऑल्सो अनएंडिंग ऐसा नहीं कि एक के बार एक आए तुम रुकने वाले हो कभी नहीं ठीक है, है. है, दो दुनी, चार चार दुनी आठ बराबर है इसका आगे नहीं आता गो ऑन मल्टीप्लाइंग इन नंबर वॉन्ट्स आर रिकरिंग इन नेचर अब समझ में आपको क्या बोला है यहाँ पे एक तो वॉन्ट्स आर अनलिमिटेड ब्रीफ आंसर्स में आ सकते हैं फिर क्या है रिकरिंग इन नेचर बार बार लगातार आते ही रहेंगे रिकरिंग अगेन अगेन एंड सम माइट बी ओनली ओकेजनल तो कुछ ओकेजनल होंगे कुछ क्या होंगे Differ करते रहेंगे देखो एग्जाम्पल दिया ठीक है गर्मी है चश्मा चाहिए सब कुछ चाहिए घूमने गए सब कुछ चाहिए बैग चाहिए सब कुछ चाहिए टोपी चाहिए बारिश है तो ये देख लो क्या चाहिए क्लियर है कि नहीं है फिर क्या है ठंडी है तो सब कुछ चाहिए बराबर है कोई घूमने गए तो देख लो वॉन्स क्या है क्या नहीं है फिर क्या है आपका नेक्स्ट पॉइंट डिफर विद एज बॉन्ड्स अंदर सेटिस्फेक्शन डिफर एट फॉर क्रोनोलॉजिकल बराबर जैसे जैसे एज बढ़ेगी वैसे वैसे बराबर जो हम छोटे थे वो आजकल चॉकलेट का डिमांड करते हैं रोके नहीं मम्मी चॉकलेट नहीं ना अब वो एज हो गया है बराबर है चॉकलेट वाला एज खत्म बराबर नहीं आज भी होता है कोई नहीं ना हाँ ठीक है बॉन्ड्स एंड सैटिस्फेक्शन डिफर एट फॉर क्रोनोलॉजिकल एज बॉन्ड्स डिफर विथ जेंडर मैन एंड वुमेन वॉन्ट डिफरेंट गुड्स अकॉर्डिंग टू देर नीड्स बराबर है जो उनके हैं वो चीज अलग है तो टोटली डिफरेंट है तो उस हिसाब से डिफर करता है तो आपको समझ में आ रहा है वॉन्ट्स में क्या है क्या क्या डिफरेंस है सबसे पहले क्या है अनलिमिटेड फिर क्या है रिकरिंग इन नेचर डिफर करता है एज पे फिर और डिफर करता है किसके ऊपर जेंडर पे वॉन्ट्स डिफरेंस ड्यू टू प्रिफरेंस भैया बराबर है भैया सेव पूरी बनाना थोड़ा तीखा दूसरा मीठा दूसरा उल्ते मिर्ची मत डालना सूखा बराबर है समझ हर एक का क्या है अलग अलग क्या है प्रेफरेंसेस है बराबर है कि नहीं है इंडिविजुअल हैबिट प्रेफरेंसेस मैटर अ लॉट क्या नहीं है अरे हाँ अलग अलग सीजन पे अलग अलग चाहिए चश्मा चाहिए कभी छतरी चाहिए कभी टोपी चाहिए बराबर है सब कुछ चाहिए और नया सीजन आया तो वापस से चाहिए पिछला काम है तो लास्ट ईयर पहना था अरे बराबर है कि नहीं ऊपर से गलती से कोई दोस्त के साथ सेम निकल गया तो हो गया कल्याण तू कहा बराबर है ये तूने कैसे पहन लिया रे बाबा तो बताना जब ये पहनेगा पहने की मुझे बताना मैं उस दिन दूसरा पहनूंगा डिफरेंस इन कल्चर आर रिलेटेड एक्सेट्रा समझ में आ रहा है आपको क्या है क्या नहीं है चीजें तो ये इस हिसाब से ये सब चीजें आपको समझनी है इस हिसाब से ये सब चीजें आपको करनी है ठीक है